पता नहीं किधर से जिन निकल आया। मम्मा इधर आ देख, मैं सफाई कर रही, तब कर ना, बताती क्यों है मेरे को। इधर इसकी सफाई चल रही है, जाले निकल रहे हैं काम की कमला के। और अभी मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे के ताए, तो आप देख सकते हो मेरा चीला। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल खुशी शिवाय ब्लॉग्स। तो अभी टाइम हो रहा है 11:42, भैया ने 11:30 बजे ब्लॉग की स्टार्टिंग की। मैं 15 मिनट लेट करी, भैया जब ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहा था ना, तब मैं इधर मेरे कपड़े डाल रही थी। प्रिंसेस सुबह से चली जाती है, उसको नहलाने बुलाओ आती नहीं, ऊपर ही जाके नहाती, तो फिर मम्मी मेरे को चिल्लाती, मेरी औलाद आती नहीं है नीचे ना, उसके बदले मेरे को सुनना पड़ती है। उसका पानी अंदर गर्म रखा है, बट वो यहाँ नहीं रही, ऊपर जाके नहीं, और मम्मी मेरे को चिल्ला रही है। और इधर देखो पप्पू के काम। ए बेटा क्या हो गया प्रिंसी, कपड़े निकालो क्यों? अच्छा तो पहनी और मारे मत रहे। आना मत तुमने हमारे घर आज के बाद। 100 रुपए में लिए तेरे मामा ने बेटा। रोया आज करती, एक खाना मत। आना मत, केक भी देंगे, तू मेरी छोरी नहीं है। हे एवरीवन, तो पता है आज सुबह ना मैंने खाना नहीं बनाया, आपके जीजू भी चले गए दुकान, अब मैं बनाऊंगी खाना। अभी तो मम्मी ने पता है मेरे लिए ना साबुदाने खिचड़ी बनाई है, बहुत दिन से मन हो रहा है खिचड़ी खाने, तो मम्मी बोले आज बना ही लेती हूँ खा लेना तू। तो मैंने खिचड़ी थोड़ी सी यहाँ ले आई हूँ, क्योंकि मैं रायते साथ खाऊंगी, मम्मी ने रायता नहीं बनाया। और दूध देखो मेरा, एक तपेली, दो तपेली और ये तीन तपेली भर कर दूध है, क्योंकि ना प्रिंसी बहुत कम दूध पीने लगी है। दूध पीना मतलब धीरे धीरे छोड़ रही है वो, क्योंकि उसको खाना खिला दो तो दूध कम पीती है, और पीती है ना दूध बिना मलाई वाला पीती, सिर्फ दूध पीना सुसु करे तो पेट खाली हो जाता था और रोती थी। तब उसको ना थोड़ा थोड़ा मैं दूध की जगह खाने की आदत डाल रही हूँ। और अभी मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे के ताए, चीले खट्टे वाले छाछ के। तो आज मैं कुछ डिफरेंट करूँगी, गेहूं के आटे की जगह मैं डालूंगी कलने का आटा। कलने के आटे में मूंग, बाजरा, मक्का, ज्वार ये सब होता है, तो उसी का आटा मैं डालूंगी, देख सकते हो, उसको बोलते हैं कलना। इसकी चरखी रोटी भी बनती है। तो चलो मैं बनाती हूँ अब चीले। सो अभी मैं इधर ले रही हूँ कुछ हरी मिर्च, आप देख सकते हो तीखी वाली है, और इधर होंगे मैं 4 से 5 कली लहसुन की। अदरक भी है बट मैं अदरक नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अदरक का टेस्ट मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और वो फिर कभी पिसता नहीं है तो फिर मुँह में ना अजीब सा लगता है, इसलिए मैं अदरक नहीं ले रही हूँ। लहसुन और हरी मिर्च को ही अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी। सो अभी मैंने लिए तपेली, थोड़ा सा ही बनाऊंगी तो छोटी तपेली ली है, इसमें मैं डालूंगी ये पूरा आटा, और डालूंगी जो भी हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट मैंने पीसा था। अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। मैं इसको पूरा बनाऊंगी बेटर को, उसके बाद टेस्ट करूंगी फिर डालूंगी, अगर कम पिका रहा तो ये डालू, तब डालूंगी। अब इसमें मैं डालूंगी सारे मसाले, लाल मिर्च पाउडर नहीं डालूंगी, मतलब बहुत ज़्यादा तीखा होता है। इसमें डालूंगी धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी थोड़ी सी, जीरे को अच्छे से क्रश करके डालूंगी, और अजवाइन डालूंगी थोड़ी सी। देखो ना अजवाइन का टेस्ट भजिए और चीले वगैरह में अच्छा लगता है, अजवाइन डालती हूँ। सॉफ्ट इमली भी डालूंगी, ये सॉफ्ट इमली मैं खाती हूँ तो मैं इसमें डालूंगी, मेरे को अच्छी लगती है। 2 चम्मच डाल दें, मेरे पास हरा धनिया नहीं है तो मैं नहीं डाल रही हूँ, आपके पास हरा धनिया हो तो आप डाल सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ छाछ, क्योंकि खट्टे अच्छे लगेंगे, छाछ मेरा इतना गाढ़ा है कि इसमें से ही नहीं निकल रहा है। छाछ ज्यादा नहीं डालना है, ज्यादा खट्टा होगा तो आपके चीले नहीं बनेंगे। मैं इसमें गेहूं का आटा भी डालूंगी, बट अभी नहीं डालूंगी, इसका थोड़ा
बेटर बन जाए फिर गेहूं का आटा डालूंगी मैं। मूंग का आटा है ना तो थोड़ा चिट्टापन रहेगा बट अच्छे बनेंगे। मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा बस, क्योंकि मम्मी के घर भी देना है और मेरे पास गेहूं का आटा थोड़ा सा ही मतलब कलने का आटा तो ज्यादा बनाना है। फ्रिज में मैंने देखा थोड़ा धनिया था तो मैं डाल देती हूँ। आप देख सकते हो मेरा चीला, शिवाय बोल रहे थे खाना है तो आज बन ही गए, बहुत अच्छे बन रहे। इस टाइप से ही बेटा रहना चाहिए। तो देख सकते हो मेरे चीले बन रहे हैं इधर एकदम जल्दी जल्दी फट फट से चिपक भी नहीं रहे। आ जा यहाँ बैठ इधर, इधर मेरे महादेव भी आ चुके हैं और इधर मेरे चीले बन रहे हैं। आहो तुम आए ना मेरे ताए बिगड़ गए। आखिरी वाले में ना मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया कि दो बन जाए, ऐसे तो बन जाएंगे अच्छे से। उसके पापा के पीछे पड़ जाती है। क्या चीज़ है आपको? दाने चाहिए? मम्मा खुली दो तो। मम्मा
पापा आते तो बच्चों की खुशी एक अलग ही होती है। क्यों पहले जाती नहीं थी, अब जाने लग गई उसके पापा के पास। पहले ही मेरे को बैटर थोड़ा और पतला कर लेना था, पतले बैटर का भी एक नंबर बना। इतने सारे बन गए देख सकते हो, बन रही एक और बन जाएगा। इधर मेरा रायता भी बन गया है, मेरी खिचड़ी साथ खाऊंगी। बोलता अद्विका नहीं ए बाप रे, शेम 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 चड्डी में अद्विक, शेम शेम करो। मैं क्लीन चड्डी भी पहनता है रे, गाड़ी वाली चड्डी भी पहनता अद्विक। शेम 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 अद्विका 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 बोल तो। आहो चड्डी पे भी गाड़ी बनी अद्विक की, कच्चे पे मैक्रीन बनी है रे मैक्रीन। ओए बेने यहाँ से दो पाव पकड़ के उल्टा टांगूंगा नीचे। क्या है मेरे को मारेगा, मारूंगी है ना, रुक जा इसको नंगा पुंगा कर। अभी प्रिंसी सोई थी जब तक मैंने इधर मेरे झूठे के डब्बे मांझ दिए और तेल की कैन मांझ दी और ये उड़ गए। अभी और पानी रखा था कि थोड़े बहुत बर्तन है, खाना खाए थे तो वो भी मांझ दूँ, बट उठी गई ना ये, रुको आ रहा क्या। चलो मैं इसको थोड़ा और सो जाएगी जब तक और काम कर दूँगी। अभी ये मांझने की है, इधर बर्तन है, मांझ ही दूँगी उसको सुला के। अब थोड़ा और सुला देती है, डरा थुक्का करके काम हो जाएगा। अभी ये मच्छरदानी भी धोने की है, इधर के कपड़े तो फोल्ड हो गए मेरे। हे एवरीवन, सो अभी टाइम हो रहा है 5 और मेरा बेटा तो उड़ गया। मैं अभी ऊपर आई हूँ, मेरे को बोलती मम्मा ऊपर चलो, इतने लग गए। अभी अद्विक के साथ खेल रही हूँ और ना मैं बहुत जल्द चश्मा बनवाऊँगी अपना, क्योंकि ठंडी का सीज़न आ रहा है, आँखें तो पहले ही ऑलरेडी कमज़ोर है और ऊपर से सर भी दर्द कर रहा है, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे मैंने सर बांधा नहीं था। थोड़ा बहुत बांधती थी क्योंकि जमता नहीं था यार, जूड़ा बनाती थी और सर बांधो करो तो जमता नहीं था, तो मैंने सर बहुत कम बांधा था, तो इस वजह से ना ये सारा दर्द कर रहा है मेरा। अभी तो बॉडी भी पेन होगी धीरे धीरे, जैसे ही ठंड बढ़ेगी ना बॉडी भी दर्द होगी। पंजे तो दर्द होते ही होते हैं, थोड़ी ठंड लगती है और हाथ अगर ब्लैंकेट से बाहर निकला कि ऐसे बर्फ जैसे जम जाते और झिनझिनी सी आने लग जाती। प्रिंसी रख दे, नानी का है, मम्मी का सामान ले आ दादा, ये रहे दादा। तो मैं जाऊंगी मम्मी साथ चश्मा बनवा के आऊंगी, आंखें बहुत दुख रही है मेरी। मम्मी बोले बनवाना चश्मा तो पहनना, बट बारिश में और ठंड में ज़्यादा याद आती चश्मे, ठंड में तो सबसे ज़्यादा याद आती, बाकी गर्मी में तो इतनी नहीं याद आती। 3 महीने के लिए चश्मा बनवाना ही पड़ता है मेरे को, तो बनवाऊँगी अम्मी जाके, तो आँखें नहीं खुलती यार मेरी, इतना मतलब दर्द करता है ये। सुबह भी टाइम हो रहा है 9 और प्रिंसी को लेकर जा रही हूँ दुकान। मम्मा चिप्स चाहिए, मम्मा चिप्स चाहिए, उन्होंने वाला पहले कपड़े पहनना पड़ेंगे, पेटी पैक होना पड़ेगा, फिर चिप्स ला कर दूँगी। तो टोपी पहन ली है, ड्रेस पहन ली, सॉक्स पहन ली है, अब इसको मैं चिप्स ला के देती हूँ। क्या लेगा? पेन लिया? क्या लेगा? नुआल पे रख ले, बच्चे हैं। क्या लेगा? बिस्किट दे दो। बिस्किट दे दो किसको? बच्चे, बच्चे को? हाँ, इधर है बच्चे, अभी दूंगे ना। चल पहले आप क्या लोगे, कौन सी क्या लोगे? बिस्किट लोगे किसके लिए? भैया के लिए। तो अभी इसको लेकर जाती हूँ, चिप्स वगैरह ला के देती, मेरा खाना तो बन गया। इधर हमारी पल्सर आने की चल रही है सफाई। क्या कर रहे हो बेटा? सफाई। बेटा जरा आवाज कम कर दो ना। क्या चल रही है बेटा, सफाई चल रही है? हाँ करो सफाई करो, जाले झटक रही है हमारी मैडम साहब। बाबा टीवी मत फोड़ देना प्रिंसी तूने, बस हो गई सफाई। और करना है उधर अपने रूम में जाके, अपने रूम में जाके करो, जाओ। हाँ चालू है लाइट, जा
हाँ वो चालू है। इधर इसकी सफाई चल रही है, जाले निकल रहे काम की कमला के। और आज पता नहीं मेरे पति देव ने कैसे काम किया, ये जो मटर के दाने देख रहे हैं ये शिवाय ने किए। पता नहीं किधर से दिन निकल आया, तो ली मटर फ्रिज में से उठाई और सबके दाने करके और यहाँ पे सब पूरा क्लीन व्लीन भी कर दिया और आराम से बैठे। मैं तो अपने सब्सक्राइबर से बात कर रही थी कि क्या क्या है। मम्मा इधर आ देख, मैं सफाई कर रही, तब कर ना, बताती क्यों है मेरे को। हो गई, रखा झाड़ू भी। बस ये जो सोफे कवर दिख रहा है, ये मम्मी के आज वॉश करवाए थे ना, तो घड़ी करे हुए मैंने यहाँ रखे थे, तो इनने सारे कवर उठा के इन पे बिछा दिए थे ऊपर ऊपर। हो गया, जाके बैठ जाओ। और कुछ काम करना है? हाँ। क्या करना है? रोटी। रोटी? हाँ। रोटी बनाना है। बहुत काम वाली बेटी है मेरी तो, है नहीं प्रिंसी? हाँ, ये इसको बिस्तर बना दे। सुबह मैं प्रिंसी के दाने बना देती हूँ और शिवाय की चाय तो बन गई है, गर्म करके देनी है। चलो प्रिंसी को दाने नमकीन कर देती हूँ, खा लेना।